आज के इस मामले को आप ज्ञापन देने के लिए आए हैं? अरे ये जो अवैध का बार बरेली शहर में चल रहा है, पिछले माह भी ये मामला समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया था, जिसको हमारी यूथ पावर वेलफेयर समिति की पदाधिकारियों ने प्रशासन से आग्रह कर कार्रवाई कराने के लिए कहा था और प्रशासन ने पूर्ण सहयोग दिया। समाचार पत्र मीडिया ने भी इसमें पूर्ण सहयोग दिया और इन अवैध उक्काबारों पर शिकंजा कसा गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है, फिर से ये लोग सीना चौड़ा होकर फिर से अवैध कारोबार चला रहे हैं। और कल एक मामला, परसों 11 तारीख को एक और मामला संज्ञान में आया कि FSDA से ये एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसकी आड़ में वो रजिस्ट्रेशन का पत्र दिखा करके अवैध हुक्काबार रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा है। तो हमारा पुनः आग्रह आज हम DM साहब से करने आए और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने पुनः हमें आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा उन बच्चों से, उन माँ बापों से भी कहना है कि जो इन अवैध हुक्काबारों पर का मनोबल बढ़ा रहे हैं, हज़ार हज़ार दो दो हज़ार रुपये पॉकेट मनी ले रहे हैं और जिस तरीके से माँ बाप इन्हें दे रहे हैं, तो माँ बाप के सोचने का भी ये विषय है कि हज़ार दो हज़ार का बच्चा क्या करेगा। आज एक और खबर बहुत अच्छी आई है आप लोगों के माध्यम से कि डिजिटल तरीके से हमें पॉकेट मनी बच्चों को देनी चाहिए, हज़ार दो हज़ार, और बच्चों से कहना चाहिए आप इसका जो उपयोग कर रहे हैं वो भी डिजिटल तरीके से करें। अगर आप हज़ार रुपये दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वो हज़ार रुपये कहाँ जा रहे हैं बच्चे के, क्योंकि इस तरीके से रेस्टोरेंट में जाके छः छः घंटे बच्चों का बैठना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये रेस्टोरेंट का सिर्फ काम फूड सप्लाई, फूड देना है, ना कि नशे की आड़ में बच्चों को गिरफ्त करना है। ये हमारा माँ बाप और बच्चों से भी आग्रह है, कृपया करके इसको संज्ञान लीजिए और बच्चों को अपने लगाम कसिए। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपके देखने का आपका पहला कर्तव्य है। देना चाहिए कि उनका बच्चा हज़ार दो हज़ार रुपये का रोज़ क्या करे। और जिस तरीके से आज समाचार पत्र में एक और बढ़िया चीज़ निकली है कि हमें भी अपने बच्चों की पॉकेट मनी डिजिटल तरीके से देनी चाहिए। अगर हम उसका हज़ार रुपये की पॉकेट मनी डिजिटल तरीके